गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ हरप्रीत सिंह। आई एम लेक्चरर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सब्जेक्ट चल रहा है सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। आज अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे एनसी वर्ड्स, ठीक है। न्यूमेरिकल कंट्रोल वर्ड्स किहड़े यूज होंगे, ठीक है, किदा यूज होंगे एनसी वर्ड्स। टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ एनसी इनफॉर्मेशन प्रोसैसिंग द फॉलोइंग डेफिनेशन आर मस्ट टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। जी अपन डेफिनेशन पढ़ लगे हैं, ठीक है, जरूरी है काफ़ी। ए कोड और करैक्टर इज द सीरीज ऑफ कंबीनेशन ऑफ वन एंड जीरो। इट रिप्रजेंट ए नंबर और एन अल्फाबैट्स और सिंबल, ठीक है। कोई भी है वन एंड जीरो, ठीक है, कि रिप्रजेंट करते हैं नंबरस और अल्फाबैट्स और सिंबल्स, ठीक है। वन करैक्टर इज पंच इन ए सिंगल रो ऑन द टेप। नंबर फोर इज रिप्रजेंटेड बाय 100। सर्टन कोड्स और करैक्टर नॉन एज रिडंडेंट कोड आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ टेप बाय द टेप रीडर। इट इज एन इंफॉर्मेशन कंटेन इन द डाटा विच इज नॉट नेसेसरी बट इज एडिड टू इनक्रीज रीडेबिलिटी known as end of block or simply EOB employed to separate each block of data irrespective its length, ठीक है। अपन इस बारे है ना कि कोड्स की होंगे या सिंबल्स किदा होंगे, EOB की है, ये सब कुछ अपना अपन डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, की चीज़ है। देखो सब तो पहला देखो की है, एन एन सी वर्ड्स इज ए यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज डिमेंशंस एक्स और वाई और फीड रेट एफ, ठीक है, की होंगे या डिमेंशन आप दें एक्स, ठीक है, एक्स जाने के दो एक्सिस होंगे या एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस, ठीक है। फीड रेट आप एफ अगे ला के 100 ला के फीड रेट देने हैं। ए ब्लॉक इज ए कलैक्शन ऑफ कंप्लीट ग्रुप एन सी वर्ड्स विच रिप्रजेंट ए सिंगल एन सी इंस्ट्रक्शन, जिदा पूरी लाइन लिखी है एन वन जी जीरो वन एक्स 100 जेड 100 एफ 100। एन वन की है लाइन पहले, जी जीरो वन कोड लगाया, एक्स की है डायमीटर, जेड की है उसकी जिहड़ी लेंथ, ठीक है, एफ की है फीड रेट। एंड एंड ऑफ द ब्लॉक ई ओ बी सिंबल इंडिकेट द सेपरेशन ऑफ ऑफ द ब्लॉक एंड एंड ऑफ द ब्लॉक इज होल पंच इन एट्थ कॉलम ऑफ द टेप। वेरियस एन सी वर्ड्स विच इज मोस्ट यूज आर एज फॉलोइंग, ठीक है, कि एन सी वर्ड्स होंगे हूँ आप डिस्कस करेंगे कि एन सी वर्ड्स होंगे। एन वर्ड्स कहे होंगे, जी वर्ड्स कहे होंगे, ठीक है, इदा ही एक्स वाई जेड की चीज़ है, एफ वर्ड की है, एस वर्ड की है, टी वर्ड की है, एम वर्ड की है, ठीक है। हम देखो सब तो पहले की है सीकुएंस ब्लॉक नंबर एन वर्ड्स, ठीक है, की है फर्स्ट वर्ड इन एवरी ब्लॉक इज द सीकुएंस नंबर, ठीक है। सीकुएंस नंबर आने के लाइन नंबर है, यही लाइन चल रही है, ठीक है, एन वन एन टू एन थ्री एन फोर, ठीक है। द सीकुएंस नंबर आइडेंटिफाई द सीकुएंस ऑफ ए ब्लॉक ऑफ डेटा इन इट विच इज इन असेंडिंग नंबर न्यूमेरिकल ऑर्डर। वैन द पार्ट इज रीड फ्रॉम द टेप ईच सीक्वेंस नंबर इज डिस्प्लेड ऑन द पैनल ऑफ एन सी मशीन टूल टिल दैट ब्लॉक कमांड आर परफॉर्म, ठीक है। ब्लॉक्स होंगे मतलब एन वन अगे कोड लिखा होना, एन टू एन थ्री सीकुएंस आए, ठीक है, किहड़ा प्रोग्राम किता चलना की चलना, पहला आह ब्लॉक खत्म होना, नैक्सट आह ब्लॉक खत्म होना, आ खत्म होना, ठीक है, इतने प्रोग्राम आते होने एन वन एन टू एन थ्री, ठीक है। द इनेबल द ऑपरेटर टू नो विच सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक इज बीइंग परफॉर्म पार्टिकुलर बाय द टूल। इट कंसिस्ट करैक्टर एन फॉलोड बाय द थ्री डिजिट नंबर रेंजिंग फ्रॉम द जीरो जीरो तो स्टार्ट है 999 तक जाते हैं। द प्रोग्राम इज एक्सीक्यूटिड फ्रॉम द लोएस्ट ब्लॉक नंबर टू हाईएस्ट एज पर इंस्ट्रक्शन। इट इज ए कस्टमरी टू स्टार्ट विद ब्लॉक नंबर 01 और 010, आप 01 भी लिख सकते, 010 भी लिख सकते हैं। प्रोसीड स्टेप ऑफ 5 और 10 सो दैट एक्सीडेंटली ओमिटेड ब्लॉक मे बी इंसर्ट ईजली, ठीक है। कोई भी आप एन वन लिख रहे हैं, ठीक है, आप एन अगे थ्री है, अगे टू है, ठीक है, आप कुछ इस एड करना, इतने एन टू कर देंगे ऑटोमेटिकली 3, 4, 5, 6 हो जाने, ठीक है। अगे देखो की है प्रेपरेटरी फंक्शन जी वर्ड्स। द प्रेपरेटरी वर्ड्स प्रपेयर द कंट्रोल यूनिट विच एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस दैट आर टू बी फॉलोड।
इट प्रपेयर द एम सी यू टू बी री रेडी टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन एंड इंटर एक मिनट इंटरप्रेट द डेटा विच फॉलो द वे ऑफ द दिस फंक्शन एंड इट प्रोसीड द कोऑर्डिनेट वर्ड्स इट इज रिप्रजेंट बाय द करेक्टर जी फॉलो बाय टू डिजिट नंबर 00202 99 दिस कोड आर लिस्टड एंड एक्सप्लेन सैपरेटली। ठीक है, हम जो जी कोड आ वह आप इदा लिखते G00। ठीक है, G0 इतों G99 तक। ठीक है, ये साढ़े कोड जोड़े आ यूज होंगे एन सी वर्ड से। जी कोड किस वास्ते यूज होंगे तो जे टूल की मूवमेंट को कंट्रोल करने वास्ते आप जी कोड यूज करते हैं। ठीक है, नैक्सट देखो डिमेंशन वर्ड्स एक्स वाई जैड। ठीक है, हम हरेक मशीन में है ना एक्सिस होंगे एक्स एक्सिस होंगे एक्स एक्सिस होंगे लेथ में एक्स एक्सिस एक हों जैड एक्सिस। ठीक है, दो एक्सिस होंगे लेथ में। ठीक है, इदा ही तीन एक्सिस होंगे मिलिंग एक्स वाई जैड एक्स वाई जैड। इधर पॉजिटिव इधर नैगेटिव पॉजिटिव नैगेटिव पॉजिटिव नैगेटिव। ठीक है, इदा एक्सिस होंगे। ठीक है, वो अकॉर्डिंग आप मशीन कोऑर्डिनेट करके काम कर दिए। ठीक है, दिस डिमेंशन वर्ड्स आलसो नोन एज ए कोऑर्डिनेट्स गिव द पोजिशन ऑफ द टूल मोशन दीस वर्ड्स कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स लीनियर डिमेंशन होंगे अनदर डिमेंशन होंगे। लीनियर डिमेंशन होंगे एक्स वाई जैड फोर प्राइम प्राइमरी और मेन एक्सिलियर मोशन यू वी डब्ल्यू फोर सेकेंडरी मोशन पैरेलल टू द एक्स वाई जैड पी क्यू आर फोर द वन मोर टाइम मोशन पैरेलल टू द एक्स वाई जैड। मेनली एक्स वाई जैड ही अपनी जी एक्सिस होंगे। ठीक है, अनदर डिमेंशन ए बी सी फोर एंगुलर मोशन फ्रॉम यानी कि ए बी सी कोई भी आप एंगुलर मोशन देना है किसी भी एक्स वाई जैड तो आप एंगुलर मोशन देना है। ठीक है, एंगल कटना कुछ भी कटना उत्थे आप यूज करते हैं। आई जैड के थ्रैड कटिंग वास्ते यूज होंगे। ठीक है, दिस वर्ड रिप्रजेंटड बाय द अल्फाबैट रिप्रजेंटड द एक्स फॉलोड बाय फाइव और सिक्स डिजिट डिपेंड अपॉन द गिवन इनपुट रिसोल्यूशन रिसोल्यूशन। ठीक है, फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी नोटेड वाइल द कैलकुलेटिंग द नंबर डेसिमल पॉइंट शुड नॉट बी अलाउ x इक्वल टू 4.987 विल बी रिप्रजेंट एज एक्स 0.489 इन ए 5 डिजिट सिस्टम द लास्ट थ्री डिजिट आर यूज फॉर द डेसिमल पार्ट ऑफ द नंबर लास्ट जी डेसिमल आप डेसिमल वास्ते यूज करते हैं। सम मशीन्स अलाउ अमिशन इन ऑफ लीडिंग जीरो हैंस द सेम कैन बी रिप्रजेंट एज एक्स 4987। नेक्स्ट देखो डिमेंशन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन mm जी डिमेंशन आप करनी है mm चुनी जानी है। ठीक है, ऑल एंगुलर डिमेंशन शुड बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन इन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑल डिमेंशन शुड बी टेकन पॉजिटिव आप जड़िया एब्सोल्यूट सिस्टम लेना है वो पॉजिटिव होनी चाहिए जानी कि एब्सोल्यूट सिस्टम होता है एक बेस पॉइंट तो डिमेंशन जी स्टार्ट होनी चाहिए 10 अगले की किन्नी होगी 20 अगले की किन्नी होगी 30 यानी कि इतों पॉइंट तो आ पॉइंट तक। ठीक है, आ 30 आ बेस पॉइंट यानी एक बेस पॉइंट तो सारिया डिमेंशन स्टार्ट होंगे। ठीक है, हूँ आप कहें एब्सोल्यूट सिस्टम इनक्रीमेंट सिस्टम होंगे यदि डिमेंशन अलग यदि डिमेंशन अलग यदि डिमेंशन अलग यानी अलग होगी 10 10 अलग यानी इतों यदि डिमेंशन इतों स्टार्ट की गई यदि डिमेंशन इतों स्टार्ट की गई यदि डिमेंशन इतों स्टार्ट की गई। ठीक है, वो अलग अलग चीज़ा। ठीक है, इन इनक्रीमेंटल सिस्टम द पॉजिटिव नैगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, जो पॉजिटिव तो नैगेटिव रिप्रजेंट करता है डिमेंशन ऑफ द मोशन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फीड रेट की है एफ ए कहते हैं फीड रेट वर्ड इज़ यूज टू प्रोग्राम द प्रॉपर फीड रेट विच इज़ टू बी गिवन इन mm पर मिनट और mm पर रेवोल्यूशन। ठीक है, फीड रेट आप कि टूल कि लैके जाने अगे आप। ठीक है, किन्ने अगे लग जाते कि कटिंग करता है उन्होंने आप कहते हैं फीड रेट कि फिटिंग करती है। ठीक है, एज डिटरमाइंड बाय द पेरियर जी कोड सिलेक्शन G94 G95 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक कोड है G94 आप यूज करते हैं mm पर मिनट। ठीक है, और mm पर रेवोल्यूशन आप यूज करते हैं G95 जो आप mm पर रेवोल्यूशन लाना है फिर G95 जो मिनट से करना है फिर G94। ठीक है, द दिस वर्ड इज एप्लीकेबल टू द स्ट्रेट लाइन और कंट्यूरिंग मशीन इन PTP सिस्टम ए कॉन्स्टेंट फीड रेट इज यूज इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इट इज़ रिप्रेजेंट बाय एफ फॉलो बाय थ्री डिजिट नंबर
एफ 200 हूँ 200 की है फीड दी है एफ ठीक है एम एम पर मिनट ठीक है स्पिंडल स्पीड की है एस इन आप डिनोट करते हैं एस ना दिस वर्ड स्पेसीफाई द कटिंग स्पीड ऑफ द प्रोसैस और द स्पिंडल इट इज रीप्रजेंट बाय एस फॉलोड बाय थ्री डिजिट नंबर द रीप्रजेंट स्पीड इज स्पेसीफाइड आइदर इन रेवोल्यूशन पर मिनट और एज मीटर पर मिनट इफ द स्पीड इज टेकन इन मीटर पर मिनट द कंट्रोल यूनिट कैलकुलेट द रेवोल्यूशन पर मिनट यूजिंग द रिक्वायर फॉर्मूला राउंडर टू द टू डिजिट एक्यूरेसी इफ द मशीन इज रिक्वायर्ड टू रन एट 500 RPM द स्पीड विल बी स्पेसीफाई एज एस 500 जो हूँ आप 500 RPM तक घुमा स्पिंडल आप उसे कर देंगे एस 500 ठीक है अगे है टू सिलेक्शन वर्ड्स टी वर्ड्स दिस वर्ड कंसिस्ट ऑफ टी फॉलोड बाय द मैक्सिमम 5 डिजिट्स इन द कोडेड नंबर डिफरेंट नंबर ऑफ यूज फॉर डिफरेंट कटिंग टूल्स ठीक है इतने जिदा सी एन सी में 30 टूल यूज होंगे ठीक है अपन नंबर देंगे T1 फर्स्ट टूल लिए T2 सैकेंड टूल लिए ठीक है अलग अलग जनिया ड्रिलिंग वास्ते यूज हो रहा बोरिंग वास्ते यूज हो रहा इतनी T30 तक अपन नंबर दे सकते हैं ठीक है उस तो बाद देखो की है द टूल ऑटोमैटिकली सिलेक्टेड बाय द ATC ऑटोमैटिक टूल चेंज आप सिलेक्ट कर देते हैं ठीक है देयर फॉर द वर्ड इज यूज ओनली फॉर द मशीन विच ATC प्रोग्रामेबल टूल टूरट ठीक है T01 टूरट होंगे जितने टूल हों लगा ठीक है T01 T02 आप टूल के नाम है ठीक है T01 पहला टूल यूज करना दूजा टूल यूज करना तीजा टूल यूज करना ठीक है रीप्रजेंट द टूल सिलेक्शन वर्ड Also, sometimes T word is used for representing a tool offset number corresponding to the XYZ direction T01, whereas the second 01 denote the tool length offset for tool number 01. Again, okay, here. मिसलीनियस एम वर्ड्स इनू आप कहें एम वर्ड इन आप मशीन कोड भी कह देते होंगे मिसलीनियस कहें एम कोड होंगे ये यूज होंगे मशीन वास्ते मशीन का स्पिंडल ऑफ ऑन करने वास्ते जो जी होंगे वो टूल की मूवमेंट कंट्रोल करने वास्ते होंगे ठीक है जो एम आने कहली मशीन की मूवमेंट कंट्रोल करनी ठीक है दीस वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ द करैक्टर एम फोल्डेड बाय टू डिजिट नंबर 00 जाने कि M00 तो लैके M99 तक होंगे ये ठीक है रीप्रजेंट एंड एक्सलिम फंक्शन सच एज टर्निंग ऑफ स्पिंडल ऑन स्पिंडल कूलेंट ऑन कूलेंट ऑफ ठीक है रिवाइंडिंग द टेप टेप नू अगे लगे जाना पिछले लगे जाना प्रोग्राम फिर स्टार्ट करना ठीक है ये उस वास्ते यूज होंगे दिस फंक्शन आर नॉट रिलेटेड टू द टू डिमेंशन मूवमेंट ऑफ द मशीन जाने कि एक्स वाई जी मूवमेंट करनी है वो टूल नहीं करनी है ठीक है इन्ना कोई रिलेटेड नहीं है ये उस ना ठीक है ये सिर्फ मशीन को कंट्रोल करने वास्ते है ठीक है इस ये हो गए ये ठीक है अगे नेक्स्ट इस वक्त कोई भी किसी प्रॉब्लम आए तो मैं पूछना ठीक है ओके थैंक यू